प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है। और हम पढ़ रहे बच्चों 10वीं कक्षा के लिए दूसरा पाठ है, एक प्रेमचंद की मशहूर कहानी कश्मीरी सेब पाठ का पांचवा भाग। बच्चों, आपको याद रखने के लिए कई मुद्दे दिया गया है। वहां पर पहला मुद्दा है, लेखक का चार आने पर गम नहीं था, लेकिन जो समाज में हो रहा इस चारित्रिक पतन पर गम था। इस चारित्रिक इसका अर्थ है कि बेईमानी पर। मुद्दा दो है, लेखक दुकानदार के हाथ में अपना रुमाल दिया, इसी से वह धोखा खा लिए। आज पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर कोई विश्वास नहीं करता, और किसी भी थाने कचहरी और म्युनिसिपैलिटी में बेईमानी की दुर्गति हम देख सकते हैं। एक बार लेखक मुहर्रम के समय में मेले में दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ी खरीद ली थी। घर आकर उनकी भूल मालूम हुई, दुकानदार अठन्नी लौटाकर लेखक से क्षमा मांगा। और हम भी बाजार में जाकर आंखें बंद करके खरीदी किए तो कश्मीरी सेब जैसे सड़े सेब ही मिलेगी। यहाँ तक बच्चों आपको पूरी तरह से क्या करना था कि मुद्दों को, पॉइंट्स को याद रखना था। अब यहाँ तक पाठ खत्म हुआ। अब हम चलेंगे कि पाठ के अंत में अभ्यास यानी प्रश्नोत्तर पर। बच्चों, यहाँ पर पहला मुख्य प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए आपको कुल मिलकर 6 प्रश्न दिया गया है। देखेंगे स्लाइड पर पहला प्रश्न और उत्तर क्या आता है। पहला प्रश्न और उत्तर आ गया बच्चों, लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे, और उत्तर है लेखक चीजें खरीदने चौक गए थे। दूसरा प्रश्न आ गया, लेखक को क्या नजर आया, और उसका उत्तर है बच्चों, लेखक को एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आया। प्रश्न 3 आ गया बच्चों, लेखक का जी क्यों ललचा उठा, और उसका उत्तर है लेखक में से बहुत अच्छे दुकान में से बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब देखकर लेखक का जी ललचा उठा। प्रश्न 4 आ गया बच्चों, टोमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है, और उत्तर है टोमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। प्रश्न 5, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है, उत्तर है स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। और एक वाक्य में लिखने के लिए आपको प्रश्न में से अंतिम प्रश्न और छठा प्रश्न इस प्रकार है बच्चों, सेब एक रोज एक सेब खाने से किन की जरूरत नहीं होगी, और उत्तर है हमें रोज एक सेब खाने से डॉक्टरों की जरूरत नहीं होगी। यहाँ तक 6 प्रश्न थे बच्चों आपको क्या एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए। बच्चों आ गए आप दूसरा मुख्य प्रश्न पर, चल गए 2-3 वाक्य में उत्तर लिखने के लिए है। वहां पर कुल मिलकर 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है, आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है, और बहुत ही आसान सा उत्तर है बच्चों, आजकल शिक्षित समाज में हमें प्रोटीन और विटामिन के बारे में विचार करने की प्रवृत्ति जो स्वभाव बढ़ रहा है। प्रश्न 2 है, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा, उत्तर है बच्चों, दुकानदार ने लेखक से कहा कि बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। तीसरा प्रश्न और उत्तर है बच्चों, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा, उत्तर, दुकानदार ने अपने नौकर से कहा कि सुनो आज से कश्मीरी सेब निकलना, चुन कर लाना। अंतिम प्रश्न है बच्चों, सेब की हालत के बारे में लिखना था आपको, उसमें पहला सेब सड़ा हुआ था, 1 रुपये आकार का छिलका गल गया था। दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था। तीसरा सेब सड़ा तो न था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। और अंतिम यानी चौथा सेब बच्चों, वह बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराग था, जैसे अक्सर बेरों में होता है। यहाँ तक आपको 4 प्रश्न थे 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखने के लिए। आगे चलेंगे बच्चों, यस, मुख्य प्रश्न 3 आ गया, जोड़कर लिखना है। यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपको जोड़कर ही उत्तर दिया हूँ। देखेंगे क्या है, सेब को रूमाल में बांधकर मुझे दे दिया, उसका उत्तर है बच्चों, ठीक है, फल खाने का समय तो प्रातः काल है। तीसरा है, एक सेब भी खाने लायक नहीं। और अंतिम है बच्चों, व्यापारियों की साख बनी हुई थी। यहाँ तक 4 प्रश्न आपको क्या करना था कि जोड़ी लगाना था। चलेंगे अगला एक्सरसाइज पर बच्चों। अगला मुख्य प्रश्न 4 पर आपको विलोम शब्द लिखना है। इस विलोम शब्द में आपको कुल मिलकर 16 प्रश्न दिया गया है, 16 क्वेश्चन से। देखेंगे 4-4 ग्रुप में बनाया हूँ यहाँ पर। पहले 4 प्रश्न इस प्रकार आ गए, शाम का विलोम शब्द सुबह है, खरीदना का बेचना है, बहुत कम, अच्छा बुरा, और भी एक 4 शब्द आ गए, शिक्षित अशिक्षित, आवश्यक अनावश्यक, गरीब अमीर, रात दिन, और भी 4 प्रश्न है बच्चों।
संदेह निस्संदेह, साफ गंदा, बेईमान ईमान, विश्वास अविश्वास। अंतिम चार प्रश्न इस प्रकार है बच्चों, सहयोग असहयोग, हानि लाभ, पास दूर, गम खुशी। ओके, यहाँ तक थे 16 प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओके एग्जामिनेशन की दृष्टि से। इसी में से आपको प्रश्न आया था, देखो खरीदना बेचना जून 2020 एग्जाम के लिए प्रश्न भी पूछा गया था। चलेंगे बच्चों आगे, प्रश्न कौन सा है, यस आ गया पांचवा प्रश्न, अनुरूपता लिखना था। पहले दो संबंधों का आपको समझना है, फिर तीसरा शब्द का संबंधित आपको रूप लिखना है। बहुत ही ध्यान से क्लियर से आपको क्या करना है कि संबंध को समझ लेना है। देखो केला पीला रंग है, यानी केला का रंग यहाँ पर पीला है, फिर सेब किस रंग का है। अच्छा आपको पुस्तक में दिया गया शब्द है कि गुलाबी, बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी। ओके, इसलिए आपको यहाँ पर आंसर लिखना था कि गुलाबी रंग। दूसरा है सेब तो फल है और गाजर क्या हो गया, सब्जी। तीसरा है नागपुर संतरा के लिए प्रसिद्ध है, फिर कश्मीर किसके लिए प्रसिद्ध हुआ, सेब के लिए। अंतिम चौथा प्रश्न है बच्चों, जो कपड़े है हम नापते हैं मेजरमेंट्स के लिए, फिर टोमेटो क्या करते हैं कि तौलना, वेटिंग करते हैं ना वेटिंग मशीन में डालकर। अच्छा चल गए, पांच प्रश्न हो गए मुख्य प्रश्न। और आगे है बच्चों छठा मुख्य प्रश्न में अन्य वचन रूप लिखने के लिए, यहाँ पर भी आपको 10 प्रश्न है। देखेंगे कौन कौन से 10 प्रश्न आपके पास है। और पहले जो 3 शब्द आ गए चीजें, इसका जो अन्य वचन रूप चीज है, रास्ता रास्ते, फल फल, घर घर, रुपये रुपये, आंखें आंख, और कर्मचारी कर्मचारी गण, व्यापारी व्यापारी गण, रेवड़ी रेवड़िया, दुकान दुकाने। मुख्य प्रश्न 7 पर चलेंगे बच्चों, प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर से एक और नया शब्द आपको क्या करना था कि लिखना था। यहाँ पर पहला एक 4 प्रश्न इसमें है और 4 भी प्रश्न और उत्तर आ गए। दुकान है, दुकान शब्द में न अंतिम वर्ण है और न से ही हम यहाँ पर शब्द लिखा गया है नगर, फिर र से रंगदार, फिर र से रुपये, फिर ए से एक, फिर क से कायदा। समझ गए, दुकान नगर रंगदार रुपये एक कायदा। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न था बाजार रात तराजू जुलूस सेब। तीसरा है रुमाल लाल लंका काला लंबू। और चौथा और अंतिम प्रश्न है बच्चों लेखक कम मकान नगर रेत। ओके अच्छा यहाँ तक खत्म हुआ। और आगे का बच्चों प्रश्न है, मुख्य प्रश्न 8 पर है, निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में क्या करने की लिखना है, सिक्वेंसली उसका ऑर्डर क्या करने की लिखना था, जहाँ पर पाठ्य पुस्तक में उसका उस वाक्य का उपयोग हुआ है उसी क्रम पर आपको लिखना था। पहला प्रश्न और उत्तर आ गया, गाजर गरीबों भी पहले के पेट की चीज भरने थी, यह प्रश्न है और इसका सही क्रम है बच्चों गाजर भी पहले गरीबों की पेट भरने की चीज थी। दूसरा प्रश्न और उत्तर आ गया, अब चीज नहीं है वह केवल स्वाद की, उत्तर है अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है। प्रश्न 3 है, नहीं लायक खाने भी सेब एक, उसका सही उत्तर है एक सेब भी खाने लायक नहीं है। और अंतिम प्रश्न था बच्चों, मालूम हुई घर आकर अपनी भूल, सही वाक्य था कि घर आकर अपनी भूल मालूम हुई। चलेंगे लास्ट एक ही एक्सरसाइज बचा है, अंतिम एक्सरसाइज, मुख्य प्रश्न 9 है, कन्नड़ में अनुवाद कीजिए, देखेंगे कौन सा है प्रश्न। पहला प्रश्न आ गया, गाजर भी पहले गरीबों की पेट भरने की चीज थी, उत्तर है गज्जरेयु सह मोदलु बड़वर पट्टे थुम्बिस्व वस्तु आगित्तु। दूसरा प्रश्न है, दुकानदार ने कहा बड़े मजेदार सेब आए है, अंगड़ियोनु तुम्बा रुचिकरवाद सेब बंदिवे यंदु हेळिदनु। प्रश्न 3 है, एक सेब भी खाने लायक नहीं, वंदु सेबु हन्नु सह तिन्नलु योग्यवागिरलिल्ल। और ओके एक चौथा प्रश्न था कि दुकानदार ने मुझसे क्षमा मांगी और उसका उत्तर है कि अंगड़ियोनु नन्नल्ली क्षमे केळिदनु। ठीक है, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಿಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪಾಠದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.